हेलो दोस्तों दोस्तों एक पल्सर आई हुई है हमारे पास, ये पल्सर 150। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये माइलेज 14-15 की माइलेज दे रही है, बहुत ही कम माइलेज दे रही है। और ये न्यू पल्सर है, ये ज़्यादा चली हुई नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कितनी चली हुई है, 34,584 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। और ये बहुत दूर से आई हुई गाड़ी, ये माइलेज के चलते बहुत दूर से गाड़ी आई हुई है। गाड़ी सारा चीज गाड़ी में सारा चीज सही है, मतलब कि एकदम मेंटेन में मेंटेन किया हुआ गाड़ी है। तो ये बक्सर से आए हैं हमारे पास, बक्सर की गाड़ी है, तो उतनी दूर से आए हैं माइलेज की प्रॉब्लम लेकर। सोचिए इनको आने में कितना तेल जल गया होगा। तो इन्होंने कहा कि हमने हर जगह दिखा चुका है इसमें कि ये कहीं प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ माइलेज का इश्यू है इसमें। तो एक रिलेटिव है इनके दूर के, तो उनके यहाँ आए हुए हैं, उनके यहाँ ये रुकेंगे और हमें ये गाड़ी देकर गए हैं। मैं इन्हें अपनी गाड़ी दे दिया, तो इनकी बाइक में मैं कल काम करूंगा। ये अभी जस्ट आए हैं हमारे पास, 11:15 हो रहा है टाइम, 11:15 हो रहा है रात के। तो ये अभी गाड़ी देकर गए हैं, मतलब 15 मिनट पहले मेरे पास गाड़ी देकर गए हैं। तो इसमें मैं कल इसमें काम करूंगा और इसमें देखता हूँ माइलेज का क्या इश्यू है। इन्होंने कहा कि कार्बोरेटर मैंने नया लगाया है, इससे पहले वाले कार्बोरेटर में बिल्कुल भी माइलेज नहीं दे रहा था, 10-11 का दे रहा था। इस बोला कि जब मैं इस कार्बोरेटर को नया लगाया तब कुछ माइलेज बढ़ा, ये कार्बोरेटर कुछ बढ़ा, 2-3 का माइलेज बढ़ा, लेकिन ये माइलेज एकदम दे ही नहीं रहा। और जब से ये गाड़ी खरीदे तब से ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बाद में ऐसा प्रॉब्लम है। वो बोल रहे कि मैं इसी तरह चला रहा बहुत दिन से और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है। इंजन का साउंड वगैरह सही है, इंजन का साउंड है सही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चक्का भी फ्री घूम रहा है, ऐसा नहीं कि चक्का जाम है तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम हो, दोनों चक्का फ्री घूम रहा है। मैं इसे ट्रायल करके इसका पिकअप वगैरह चेक कर लेता हूँ, पिकअप कैसा है इसमें, और उस अनुसार इसमें फिर काम करूंगा। तो इन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमें माइलेज सही चाहिए। तो भाई इतनी दूर से आए हैं तो इन्हें माइलेज सही करके देना पड़ेगा ना, ये तो फर्ज है हमारा कि माइलेज सही करके और माइलेज इन्हें सेटिस्फाई करके मैं भेजूं। मैं हमेशा कहता हूं कि दूर की गाड़ियां हमारे पास ना आए, वो अपने अगल बगल में ही काम कराएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो अब आ जाते तो उन्हें मना भी नहीं कर सकता ना। तो देखता हूँ कल टाइम मिलता है तो मैं इसका काम करूंगा, क्योंकि अभी लड़के लोग छुट्टी में गए हुए हैं तो मैं अभी अकेला हूँ और स्टाफ लोग एक दो स्टाफ आ रहे हैं, बाकी सब छुट्टी में गए हुए हैं। तो देखता हूँ कल क्या होता है इसमें, जो भी होगा। उन्होंने कहा जो प्रॉब्लम है आपको चेंज कर दीजिए, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम कितना भी अमाउंट होगा हम पे करेंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा कोई फॉल्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि कार्बोरेटर न्यू है, वो पुराना वाला कार्बोरेटर भी लेकर आए हैं तो वो हम रखे हैं, दोनों को मैं खोलूंगा। हालांकि ये कार्बोरेटर न्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और पुराने वाले भी तो सही दिख रही है, तो मैं पुराने वाले ही कार्बोरेटर इसमें डालूंगा, उसके बाद माइलेज एडजस्ट करूंगा, उसके बाद चेक करूंगा, और माइलेज चेक करने के बाद मैं इन्हें गाड़ी डिलीवर दूंगा। तो इतनी दूर से गाड़ी आई हुई है, करूंगा इसका काम कल, काम करके माइलेज वगैरह चेक करके इन्हें परसों मैं दूंगा गाड़ी, नहीं तो कल रात में भी दे सकता हूं। अगर कल ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा इसका तो कल मैं शाम को इन्हें दे दूंगा, तो ये चले जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग काम धंधे वाले हैं ना, तो काम छोड़ के ज़्यादा देर रहना भी अच्छा बात नहीं है। और मेरे ख्याल से 550 किलोमीटर दूर से आए हैं। ठीक है दोस्तों, कल मैं इसे बनाता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें।